सो गाइज, अगर आप भी व्लॉगिंग करते हैं या व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप व्लॉग बनाते हैं या बनाने वाले हैं, या आपने चैनल बना लिया है या चैनल बनाने वाले हैं, तो आपको व्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट एडिटिंग एप्लीकेशन कौन सा है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि इस एप्लीकेशन से आप व्लॉगिंग को इतना अट्रैक्टिव और इतना आकर्षित बना सकते हो कि हर कोई आपको वीडियो को सबसे पहले क्लिक करके देखेगा। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना आज अगर वीडियो व्लॉगिंग पर बना ही रहे हैं, तो क्यों ना अपना वीडियो भी आज जो है व्लॉगिंग स्टाइल में ही शूट करके अपलोड किया जाए। तो मैं आज का जो वीडियो है व्लॉगिंग स्टाइल में ही शूट कर रहा हूँ, ना मेरे आगे कोई रिंग लाइट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। घर के मैं वेंटिलेशन पे आया हूँ, वेंटिलेशन पे आके जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप जैसा कि आपको पता चल रहा है बैकग्राउंड में कि पौधे लगे हैं, वेंटिलेशन पे मैं खड़ा हूँ। तो ये आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अमेजिंग भी होने वाला है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको कई सारे एप्लीकेशंस में नहीं मिलने वाले। और सबसे बड़ी बात गाइस इसमें यह है कि इसमें जो है आपका किसी भी प्रकार का कोई वाटरमार्क चिन्ह नहीं आएगा, कोई भी इसमें लोगो नहीं आएगा। और इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं, कई सारे इसमें ऐसे अमेजिंग अपडेट्स है जो आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन में नहीं मिलने वाला है। इस एप्लीकेशन में जो है आपको कई सारे फीचर्स ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल इसका पैसा नहीं लगने वाला है। तो इस एप्लीकेशन को बिल्कुल आप यूज़ करें, और ये ओनली ऑन व्लॉग के लिए ही बनाया, और इस एप्लीकेशन का नाम भी व्लॉग ही है, क्योंकि ये बना ही व्लॉग के लिए है। क्योंकि इसमें जो जो फैसिलिटीज, जो फीचर्स है, वो सारे व्लॉगिंग से रिलेटेड है। व्लॉग चैनल वालों के लिए जो है एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा देखें। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आगे भी और भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और होम स्क्रीन पर आने के बाद जो है मैं अपने एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है कि व्लॉग, तो ये है ही व्लॉग एडिटिंग एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मैं जो है इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे अपने मोबाइल की गैलरी में लेके आ जाएगा। तो मेरे को गैलरी में आने के बाद जो मेरे का जो भी वीडियो है वो इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो वीडियो है मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस मिलेंगे। इसमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ से अपने साइज़ को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ से म्यूज़िक चेंज कर सकते हैं, ऑनलाइन म्यूज़िक आपको मिल जाएगा, इफेक्ट्स आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे। इसमें जो है आपका लोकल जो म्यूज़िक है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो। आप इसमें जो है अगर आप वीडियो शूट करते टाइम अगर आपका वॉइस जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप इसे वॉइस रिकवर भी कर सकते हो, आप इसे डब भी कर सकते हो, और एक्स्ट्रा में आपको कई सारे म्यूजिक्स और देखने को मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैं बैक हो लेता हूँ। बैक होने के बाद जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसा कि माय फर्स्ट ये व्लॉग मैंने सर्च कर दिया है। व्लॉग सर्च करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। माई फर्स्ट व्लॉग, तो यहाँ पे आप यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रोक कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। शेडो आप कर सकते हैं, जैसा आप जो भी आपको कलर में शेडो पसंद है वैसा आप इसे शेडो कर सकते हैं। लेवल चेंज कर सकते हैं, जैसा आप लेवल रखना चाहो वैसा आप लेवल रख सकते हो। फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, AIM आप चेंज कर सकते हो, स्पेलिंग आप चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद मैं फिर से बैक हो लेता हूँ। बैक होने के बाद जो है ये मैं बैक हो चुका हूँ। बैक होने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टिकर का। आप यहाँ से एप्लीकेशन ने कई सारे वैसे स्टिकर दिया हुआ है, बट अगर आपको कोई पसंद नहीं आता है या आप कुछ अलग एनिमेशन या स्टिकर चाहते हैं, तो आप जैसे आपको यहाँ पे YouTube का स्टिकर भी मिल गया। देन अगर आप इनमें से कुछ नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे गिफ्ट्स में आएंगे। गिफ्ट्स में आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम जैसे सर्च करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम के कई सारे जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे स्टिकर आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसमें कई सारे जो यूट्यूब के स्टिकर है, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह जो है वो आपको देखने को यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इसे क्लिक करके अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है मैं फिर से इफेक्ट्स पे आता हूँ। इफेक्ट्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। RGBD इफेक्ट्स मिल जाएगा, डायनेमिक मिल जाएगा, आपको पर्सनैलिटी मिल जाएगा, रेट्रो, लव, बेसिक, बिंग, ड्रीम, नेचर, कई सारे जो आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद मैं फिर से बैक आता हूँ। यहाँ पे आपको जो है BG मिल जाएगा। BG का मतलब होता है कि आप ये जो है इसमें कवर, इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ये छोटा हो जाएगा, तो उसके बाद से हैं इसे आप चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप पिप कर सकते हैं। पिप का मतलब होता है कि आप कोई वीडियो, जैसे कि आप ये मेरा वीडियो ऑलरेडी एक वीडियो है, इसके ऊपर मुझे और कुछ दिखाना है, तो मैं जैसे पिप पे क्लिक करता हूँ। पिप पे क्लिक करने के बाद जो है मैं इसे ये वीडियो सेलेक्ट करता हूँ। ये वीडियो सेलेक्ट करके मैं इसे जहाँ चाहूँ वैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे कुछ दिखाना हो तो। ये हो गया अपना पिप, इसे पिप कहते हैं, और ये जो है अपना वीडियो आप इसे शो करवा सकते हैं। इसका जैसा चाहे आप वॉल्यूम सेट कर सकते हैं,
कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसे जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं फिर से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद से है आप इसे फिल्टर चेंज कर सकते हैं, आपका जो भी इसमें कलर वगैरह जो है वो आप इसे फिल्टर चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इसे ब्राइटनेस वगैरह जो आपको रखना हो वैसे आप इसे कर सकते हैं। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन जो है ये व्लॉगिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेबल होने वाला है और इसे काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और आपका इस एप्लीकेशन से अगर आप व्लॉग एडिट करते हो तो यकीन मानिए आपके जो व्लॉग है काफ़ी जल्दी वायरल होने वाला है। तो इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।